हेलो एंड वेलकम टू द सीरीज काउंसलिंग बाकी है। मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं द सोशल इंडियन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि सीरीज जो हमने बनाई थी वो बनाई थी काउंसलिंग बाकी है पे। और काउंसलिंग बाकी है का मतलब ये है कि काउंसलिंग बची थी उस टाइम पे, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो काउंसलिंग के दिन नज़दीक आ रहे हैं और यही है आपके लिए क्रूशियल डेज, क्योंकि यही डेज होंगे जिनमें आपका एडमिशन होगा, आपको खुशी होगी, आप घर वाले रिश्तेदारों को फ़ोन कर बताएंगे कि हाँ भाई फूफा जी बन गई है बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हम। तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन लोगों को जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आने की उम्मीद है या फिर उनका बहुत ही अच्छा स्कोर बना हुआ है, तो उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिल से हम चाहेंगे कि आप आए फैकल्टी में, हमारे जूनियर्स बने। और जिन लोगों की होप्स अभी थोड़ी कम है उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपका लो स्कोर है तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा एक, उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके ऑप्शन कितने मार्क्स तक खुले हैं वो मैं बनाऊंगा फर्स्ट लिस्ट आने के बाद। तो उसका रखिए आप इंतजार और सीरीज में करिए इंतजार। आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको बता पाए पहली चीज कि काउंसलिंग के डेट्स क्या क्या हैं, कब रिलीज होंगी लेट लिस्ट हमारी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पहली चीज जो कि काउंसलिंग की लिस्ट हमारी जब कब रिलीज होंगी, पहली लिस्ट कब आएगी, दूसरी लिस्ट कब आएगी, तीसरी लिस्ट कब आएगी, चौथी लिस्ट कब आएगी, उसका शेड्यूल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपको चाहिए होंगे। 12 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके हाथ में होने चाहिए जब आप काउंसलिंग कराने आए। अच्छी बात होगी अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका एक ही बार में एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा और दूसरी बार आपको आने की दिक्कत नहीं होगी, एडमिशन रिजर्व नहीं रखा जाएगा। और अच्छी बात यह रहेगी कि हम आपको इस वीडियो में सारा ज्ञान देने ही वाले हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा मास्टर टिप, वो होगी काउंसलिंग की मास्टर टिप। अब काउंसलिंग के लिए मास्टर टिप क्या होगी ये जान के बहुत ही रोचक लगने वाली बात है और मुझे भी ये बात रोचक लग रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं काउंसलिंग के शेड्यूल पर। तो जो यूनिवर्सिटी ने अभी रिवाइज शेड्यूल दिया है, नोटिफाई किया है अपनी वेबसाइट पर, वो ये है कि 24 जुलाई को पहली लिस्ट निकाली जाएगी। उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अप्रूवल होंगे 24, 25 और 26 जुलाई को। यानी कि जब 24 को लिस्ट निकले, सुबह लिस्ट निकलते ही आप तैयार रहिए। अगर आपका पहले ही नंबर है तो जल्दी से करवा लीजिए एडमिशन। बाकी 24, 25 और 26 तीन दिन का आपको टाइम मिलेगा, उन तीन दिनों में आप कभी भी आ सकते हैं। टाइम आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा लिस्ट आने के बाद कि किस टाइम से किस टाइम पर आपकी काउंसलिंग होगी। उसके लिए शायद कैटेगरी वाइज भी हो सकता है जैसा कि पिछली बार हुआ था, या कोई और फंडा भी हो सकता है जो इस बार क्लियर होगा। अब सेकंड लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट की नोटिफिकेशन आएगी 29 जुलाई को, जब पहली लिस्ट के एडमिशन हो चुके होंगे। 29 जुलाई को आएगी नोटिफिकेशन। उसके बाद 29, 30 और 31 तीन दिन चलेगी सेकंड लिस्ट। उसके बाद आएगी थर्ड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आएगी 3rd of August को, उसमें काउंसलिंग चलेगी 3rd, 5th और 6th August को, यानी संडे को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। अब चौथी लिस्ट कब आएगी, चौथी लिस्ट जब आएगी जब आपकी ज़रूरत होगी। ज़रूरी नहीं है कि चौथी लिस्ट आए, लेकिन हाँ हर बार चौथी, पांचवी, छठी लिस्ट तक आती है तो उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं कि चौथी लिस्ट आए, लेकिन इट विल बी नोटिफाइड लेटर, टू बी अनाउंस लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये नोटिफाई तब की जाएगी जब यहाँ पर सीट्स बची होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीट्स बची रहें। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका चाहिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, संभाल के रख लीजिए, नहीं है तो प्रिंट निकलवा लीजिए, पोर्टल पे से प्रिंट निकल जाएगा। दूसरी चीज़ आपकी एज सर्टिफिकेट, यानी एज सर्टिफिकेट कहाँ से आती है, 10th की मार्कशीट से, तो मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट आप रख लीजिए। तीसरी आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से अगर आपकी पुरानी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो उसे नई बनवा लीजिए, आसानी से बन जाती है। अगर बनाने में कोई दिक्कत है तो हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आती है आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, ये बनवाने में हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ज़रूर आपके लिए अंडरटेकिंग देकर साथ खड़े रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी डिग्री आ गई है तो सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए, अगर आपकी डिग्री अवेलेबल नहीं होती है तो प्रोविजनल एक डिग्री बनती है, प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। इन केस अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है 6th सेमेस्टर का तो उसमें तो कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, अंडरटेकिंग देनी होगी। अब आपके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो है बैचलर्स की डिग्री, तो जब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में होगी तो उसकी मार्कशीट आपको साथ रखनी है, सारी की सारी मार्कशीट्स को लेकर आइएगा, ऐसा ना हो कि आप एक ही मार्कशीट को ले आएँ। साथ ही साथ आपके अगर SC ST OBC के अंडर अप्लाई किया है, EWS के अंडर अप्लाई किया है तो एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। EWS के लिए एक प्रिस्क्राइब वो भी दी गई है कि कैसे बनवानी है, साथ में एक वो भी दी गई है, आज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैंने देखा था कि फॉर्म दिया हुआ है उसको आप फिल कीजिए और साइन करवाइए और आपकी EWS की सर्टिफिकेट उसी को माना जाएगा।
सातवीं जो बात है वो होगी, आपके पास 8 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 8 मांगी हैं, 16 ले आना, क्योंकि 50 रुपये में 32 निकलती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, चिंता मत कीजिएगा। अब आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की भी आपको प्रिंटआउट लेके आना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट कर लीजिए, उसको भी भर के लाइएगा। साथ साथ आपको चाहिए होगा क्या, आपको चाहिए होगा एंटी रैगिंग, कि आप गलती से भी किसी बच्चे की रैगिंग ना कर दें, क्योंकि DU इज़ अगेंस्ट रैगिंग, वहाँ पे रैगिंग नहीं होती है, आप सुरक्षित हैं, चिंता मत कीजिए। हम भले ही आपके सीनियर हैं लेकिन शायद आपकी रैगिंग ना करें, हेल्दी रैगिंग हो तो मुझे कोई वो अवरोध नहीं होगा उस चीज़ से। अब यहाँ पर बात यह है कि आपको एंटी रैगिंग का भी फॉर्म देना होगा, और अगर आप इनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो एक बार यूनिवर्सिटी जाकर या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाकर कंफर्म कर सकते हैं ये लिस्ट को। उम्मीद करता हूं आप सभी की लिस्ट पूरी होगी। अब मास्टर टिप यहां पर क्या है, मास्टर टिप आपके लिए ये है कि कई लोग पैनिक कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, तो मैं उसके लिए क्या करूं, मैं बनवा नहीं सकता, मेरी OBC की सर्टिफिकेट पुरानी है, SC ST कैटेगरी की सर्टिफिकेट पुरानी है, तो भाई अपनी रिन्यू करवा लीजिए, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब मास्टर टिप ये है कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, जो आपके पास नहीं है वो आप कुछ बना सकते नहीं हो, भगवान आप हो नहीं ना हम हैं, इसीलिए पैनिक ना कीजिए। उससे बेटर ये होगा कि आप यहाँ पर अंडरटेकिंग देकर जाएं और जो समय मिलता है, एम्पल टाइम मिलता है, उसमें वो सर्टिफिकेट बनवा लें। लेकिन अगर नहीं बन पाती है तो हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपकी जितनी हो सकेगी भरपूर सहायता करेंगे। काउंसलिंग के पहले भी आपके साथ खड़े थे, काउंसलिंग के समय भी आपके साथ खड़े हैं, और उम्मीद करेंगे। देखिए, जमाने में गारंटी किसी चीज़ की नहीं है इस मार्केट में, लेकिन हाँ उम्मीद करेंगे कि आपके साथ खड़े रहें। इसी बढ़िया बात के साथ, अच्छे विचारों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।